ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आपका स्वागत है डिजिटल जॉबलाइन यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस के 200 क्वेश्चंस, जो कि आपको 2020 के डिवाइडेशन में करवाए जाएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन नंबर एक है सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1905 हमारा थ्री, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, के मम्मुंशी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइव, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर एक है हमारा स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 9, 12, 15। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा को प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो इसके ऑप्शन है हमारे 7, 6, 5, 4। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर एक है हमारा डॉक्टर बी आर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर एक है हमारा संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सचिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी, बी एन राव, टी टी कृष्णामाचारी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो ऑप्शन है हमारे 15, 13, 10, 12। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन, 45वें संशोधन, 51वें संशोधन, 43वें संशोधन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, 42वें संशोधन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ऑप्शन नंबर एक प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोग शब्दों से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसीदास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा राज्य राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? अमेरिका, भारत की, ब्रिटेन की, स्विट्जरलैंड की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ये क्वेश्चन आपके लिए है, जो कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, केवल यूके में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।